झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दो उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने जिन दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें एक सीट बरहेट झारखंड की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। बीजेपी ने बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है जबकि टुंडी से विकास महतो को टिकट दिया गया है। झारखंड की सबसे हॉट सीट में शुमार बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उम्मीदवार हैं और लगातार 2014 से चुनाव जीत रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित यह सीट जेएमएम के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। बरहेट विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है और इस सीट पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए गमालियल हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया है। बरहेट सीट से बीजेपी उम्मीदवार गमालियल हेम्ब्रम की बात करें तो वो टीचर की नौकरी छोड़कर करीब 5 साल पहले राजनीति में सक्रिय हुए। 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अजासू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में गमालियल हेम्ब्रम की जमानत जब्त हो गई। चुनाव में उन्हें महज 2573 वोट ही मिले। इस सीट पर हेमंत सोरेन की जीत हुई। हेमंत सोरेन को इस दौरान 73,725 वोट मिले जबकि दूसरे स्थान पर बीजेपी के उम्मीदवार सिमोन माल्तो थे जिन्हें 47,985 वोट मिले थे। झारखंड की सबसे हॉट सीट बरहेट पर बीजेपी द्वारा प्रत्याशी की सूची जारी नहीं किए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी जिसे अपना उम्मीदवार बना रही है वही मैदान छोड़कर भाग जा रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़कर खुद की राजनीति खत्म करने वाला है? और फिर बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के इसी तंज का जवाब देते हुए गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। हालांकि गमालियल हेम्ब्रम की तरह ही पत्नी विनीता टुडू बरहेट के खैरवा पंचायत से 2 बार की मुखिया रह चुकी हैं। हेम्ब्रम की तरह ही विनीता टुडू भी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। पिछली बार बीजेपी और अजासू पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और दोनों दलों के उम्मीदवार थे। गमालियल अजासू पार्टी की जगह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। हालांकि बीजेपी ने हेमंत सोरेन के सामने गमालियल को उतार कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी ने जनता के बीच उनके चिरप्रचित प्रत्याशी को उतारा है जो पिछली बार भी चुनाव लड़ चुका है, दूसरा अगर इस चुनाव में उनके प्रत्याशी की जीत नहीं मिलती है तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये जेएमएम की परंपरागत सीट है। लिहाजा अब देखना होगा कि इस बार बरहेट की जनता किसको चुनती है। क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर बरहेट की जनता का दिल जीत पाएंगे या फिर गमालियल हेम्ब्रम अपनी जीत का परचम लहराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।